चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी में डीजल के दामों ने अब शतक लगा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पेट्रोल के दाम 117 रुपए प्रति लीटर के पार हो गए हैं। डीजल के दाम ने भी अब शतक लगाया है। 81 पैसे डीजल और पेट्रोल 88 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। डीजल के दाम इसी के साथ अब 100 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। पेट्रोल के दाम 170 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए हैं। कल सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाएंगी। दीपक गोयल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले से वैट को लेकर जो है यहाँ दाम दूसरे राज्यों के मुकाबले ज़्यादा है। कितनी परेशानी लोगों को हो रही है, किस तरीके से लोग अब रिएक्ट कर रहे हैं? देखिए, देश में जो ऑयल कंपनियां हैं IOCL, BPCL और HPCL, वो लगातार कीमतों में इजाफा कर रही है। और यही वजह है कि 15 दिन के अंदर करीब 14 बार है, कह सकते हैं कि 13 बार है, पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। ये 117 रुपए के पास राजधानी में जो पेट्रोल के दाम हो चुके हैं और डीजल के दाम है वो शतक लगा चुके हैं। यानी कि कल सुबह जब गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भराने व्यक्ति जाएगा तो डीजल उसे 100 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर मिलेगा और डीजल जो पेट्रोल है वो 117 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। यानी कि आज जो डीजल के दाम है वो 81 पैसे और पेट्रोल के जो दाम है 88 पैसे प्रति लीटर के यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। इससे पहले यदि हम बात करें पेट्रोल डीजल की, कि जब कह सकते हैं कि दो नवंबर को पेट्रोल जो सबसे हाईएस्ट जो दर थी 117 रुपए 45 पैसे थी और जो डीजल की जो दर थी वो 108 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर थी। हालांकि लगता है कि एक या दो दिन में लगता है कल जब नई दरें परसों के लिए लागू होंगी तो वो रिकॉर्ड सब टूट जाएंगे पेट्रोल के जो अब तक नहीं टूटे थे, क्योंकि 117 रुपए के पार तो पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं और इससे पहले 117 रुपए 45 पैसे हाईएस्ट पेट्रोल के दाम रह चुके हैं। 2 नवंबर को केंद्र सरकार ने जब एक्साइज ड्यूटी घटाई थी तो पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट आई थी। उसके बाद से चुनाव की घोषणा हो गई और उसके बाद चुनाव की घोषणा होने के साथ ही यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दामों में करीब 140 दिन तक ब्रेक लग गई थी। लेकिन 22 मार्च से फिर वो दिन आया कि पेट्रोल डीजल के जो मीटर है वो तेजी से दौड़ने लगा। 14 से 15 दिन का समय हो बिल्कुल लगातार इजाफा होता गया और उसके बाद जो है अब जो कीमतें हैं लोगों को परेशान कर सकती है। कल सुबह 6 बजे से नई दरें लागू हो जाएंगी। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी।